सो हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल. आ चुके हम लोग वापस और अभी फटाफट से बस उसके दोस्त की शादी में निकले यार. ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं तो लेट्स जस्ट ट्राई कि जल्दी टाइम पे पहुंच जाए, वरना पता चला कि बारात आ गई और हम लोग लेट पहुंच रहे हैं सबसे ज़्यादा. और ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना सबके सब रियूनियन वाले हैं. रियूनियन पे एक भी नहीं आया था इनमें से, अभी आए हैं सबके सब. अंकल जी अगला पटाखा फोड़ने की पूरी मशक्कत कर रहे हैं. बड़ी मुश्किल से मिला अंकल को अगला पटाखा फोड़ने की जगह. फाइनली चल गया अंकल से. आयुष्मान भाई शादी की फील कैसी आ रही है तेरे को ये बता. बहुत बढ़िया. बहुत 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 ज़्यादा खुश है. बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत खुश हूँ. तो भाई ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं और पूरा एरिया खाली. भाई घर हमारा गुलाब जामुन, ठीक है. अरे क्या बात यार. यहाँ पे आने से पहले हम लोगों ने मतलब कितने ही पुराने मुद्दे डिस्कस करे हैं क्लास के हद पार. पूरे रास्ते गाने तो बजे ही नहीं है पूरी गाड़ी में, सिर्फ मुद्दे डिस्कस हुए हैं. और अभी देखते हैं भाई क्या करना है. मोस्ट प्रोबेबली तो सीन यही है कि वापस घर जाएंगे. आइसक्रीम में रसगुल्ला डाल के खा लो भाई. दोनों पता नहीं क्या ही मजा आ रहा है इसके में रसगुल्ला डाल के खाने में. आफ्टर फिनिशिंग एवरीथिंग हम लोग यहाँ सब निकल गए हैं घर की तरफ विद अ बॉटल ऑफ बिस्लेरी. लेट्स गो टू होम. तो वहाँ से शादी वादी से निकल गए यार, फ्री हो गए. बहुत ज़्यादा थक चुका है लिटरली गंदा वाला. और अभी फटाफट से फ्यूल फिल करवा के वापस घर की साइड निकलते हैं. तो इन लोगों ने कोई भी प्लान नहीं बनाया, ठीक है. 3 साल बाद मिल रहा है लेकिन कोई वो नहीं है कि भाई घूम ले थोड़ी देर. और नहीं कुछ नहीं, मतलब ही नहीं है. हो गया क्या फ्यूल फिल. तो इस बंदे को घूमने से कोई मतलब नहीं है, कोई सा भी घूम के राजी नहीं है. किसी को कोई खुशी नहीं है कि 3 साल बाद मिल रहा है और इसके बाद बहुत मुश्किल से मिलने का चांस मिलेगा. तो पता नहीं भाई कैसे ही दोस्त है मेरे, लेकिन जो भी हैं यही हैं. तो आई विल सी यू गाइस इन अ बिट. इन सबको घर ड्रॉप करने के बाद में मैं आप लोगों से मिलता हूँ. सो फाइनली भाई सबको घर पे भेज के और मैं भी निकल रहा हूँ घर की तरफ ही. बीच में हम लोग एक बार के लिए गए थे ऐसे ही घूमने के लिए कहीं भी. तो अभी आई एम गोइंग टू होम. और दिस वाज जस्ट अ वेरी स्मॉल व्लॉग दोस्त की शादी का. आज बहुत टाइम बाद मिले थे यार उससे, तो इट वाज फीलिंग वेरी गुड. सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग गाइज. होप यू गाइज हैव एंजॉयड दिस. एंड कमेंट करके बताना आप लोगों को डांस कैसा लगा भाई का. यार वो लोग कैसे पागलों की तरह नाच रहे थे यार लेट लेट के. वहाँ मतलब लिटरली मेरी हंसी छूट रही थी उस टाइम पे. इतना ज़्यादा तेज था वहाँ पे साउंड कि मैं अपनी वॉइस को रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रहा था. सो वहाँ पे थोड़ा सा सीन हुआ था बस. सो कमेंट करके बताना यार कैसा लगा व्लॉग. एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. यूज़र नेम ऑन स्क्रीन आ रहा है एंड डिस्क्रिप्शन में भी फॉलो कर लेना. और डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक है मिस्टर बेनीवाल का चैनल का, वो भी ज़रूर सब्सक्राइब करना. जस्ट बिकॉज क्योंकि वहाँ पे हमारे लड़के के एकदम बढ़िया बढ़िया ब्लॉग्स आते हैं. एमिटी यूनिवर्सिटी के मोस्टली ब्लॉग्स तुम लोगों को वहाँ पे देखने मिलेंगे. एमिटी यूनिवर्सिटी के बारे में चिल लाइफ वो तुम्हें बताता रहेगा. तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन. टिल देन बाय.